तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे गेम से रिमूव हो सकता है बहुत जल्द ये चिप्स। ये वही चिप्स है जिससे आप अपनी गन्स को अपग्रेड करते हो, स्कार ट्रिपल करते हो, एमसी ट्रिपल करते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रिमूव हो सकता है हमारे गेम से, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और क्या आपको पता है हमारे गेम में आ चुका है ईवो एक्सेस, मतलब कि वो ई बैज। लेकिन अगर आप गेम खोल के देखोगे तो आप लोगों को ई बैज देखने नहीं मिलेगा, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हमको देखने नहीं मिलेगा। तो भाई आखिर ये आया कहाँ है और इसका प्राइस क्या होने वाला है, सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और बहुत सारे लोगों को अभी भी 99% पे जो लोडिंग स्क्रीन अटक जा रहा है और जो पिंग इशू है वो आज भी हो रहा है। मतलब साफ शब्द में कहूं, अगर आपको आज भी पिंग इशू का प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है तो टेंशन मत लो भाई लोग, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम पूछ के सॉल्व कर दूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रॉब्लम आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सॉल्व हो ही जाएगी। तो ये वीडियो होने वाला आपसे मिलने काफी इंटरेस्टिंग, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 5, आप सभी को ये तो पता होगा आज से कुछ साल पहले फ्री फायर ने नेपाल सर्वर, बांग्लादेश सर्वर को इंडियन सर्वर से अलग कर दिया। मतलब कि पहले तीनों सर्वर एक ही सर्वर में आया करते थे, वो इंडियन सर्वर। लेकिन आज से कुछ साल पहले इंडियन सर्वर से बांग्लादेश सर्वर को सबसे अलग किया, उनका सेपरेट सर्वर बनाया गया। और रीजन ये बताया लैंग्वेज बैरियर, कि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज इशू होता है तो भाई चलो अलग कर दिया। और उसके बाद फ्री फायर बैन होने के बाद नेपाल को भी उठा के भाई बीडी में ही डाल दिया। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई बांग्लादेश सर्वर अलग है और इंडियन सर्वर अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये अलग है ही नहीं, क्योंकि इनके ऑपरेशन है उनको एक साथ ही कंट्रोल किया जाता है। और आज के टाइम पे जो फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में बांग्लादेश और नेपाल के यूट्यूबर्स है, उसे भी फ्री फायर के इंडियन मॉडरेटर ही मैनेज करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड को देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो भाई इवेंट का कंपैरिजन देख लो, स्टोर को देख लो, लकी रॉयल्स को देख लो और भाई सब इवेंट्स को भी देख लो, सबके सब भाई बिल्कुल सेम है। कुछ कुछ चीजें हम लोगों को ऊपर नीचे देखने मिलेगी, जैसे कि ये ई बैच आ चुका है बीडी सर्वर में लेकिन इंडियन सर्वर में नहीं आया। एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखने मिलेगा कि हमारे गेम से ईएमपी ग्रेनेड को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को क्लैश कोड में देखने मिलता रहा जिसकी एबिलिटी होमर टाइप की थी, तो उसको रिमूव कर दिया। और हमारे इंडियन सर्वर में पता भी नहीं चला कि ईएमपी ग्रेनेड कब रिमूव हुआ, लेकिन बीडी सर्वर में बताया जा रहा है कि वहां पे ईएमपी ग्रेनेड जो है वो रिमूव हो चुका है। भाई इंडियन सर्वर बीडी सर्वर में कुछ खास फर्क नहीं है, बस अलग अलग सर्वर दे दिया है भाई इन लोगों ने, बाकी सब चीजें तो ऑलमोस्ट सेम है। फैक्ट नंबर 4, अब बात करते हैं ई बैच की। तो ई बैच के बारे में आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था और हमारे इंडियन सर्वर में तक हम लोगों को ई बैच देखने नहीं मिला। और मैंने आपको पहले ही बताया था केली शो में हमको ई बैच देखने नहीं मिला, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट हम लोगों को फ्री फायर इंडिया आने के बाद ई बैच देखने मिले, या फिर हमको शायद ई बैच यहाँ पे देखने ना ही मिले। क्योंकि भाई ई बैच के बारे में जब मैंने ये चीज देखा तो पहले आप स्क्रीनशॉट को देखो, बीडी सर्वर में ई बैच आ चुका है। आप लोग 3 दिन के लिए ई बैच खरीद सकते हो, आप लोग 7 दिन के लिए खरीद सकते हो और आप लोग डायरेक्ट 30 दिन के लिए भी खरीद सकते हो। तो अगर आप 30 दिन के लिए ई बैच को खरीदोगे, मतलब कि टोटल होता है 1 महीना, तो आप लोगों को 1500 रुपए देने पड़ेंगे। 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन मॉडल है भाई साहब ये। इसमें कुछ ईवो गन्स मिलेगी लेवल 4 की, बहुत सारे पेट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरे पेट्स मिल जाएंगे बस पोरिंग पेट को छोड़ के। और जितने भी कैरेक्टर्स आ चुके हैं हमारे गेम में वो सबके सबको देखने मिल जाएंगे। और वी बैच की तरह आप लोग छोटा सा ई बैच देखने मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें जो कि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, तो ये बाकी सर्वर्स में आना चालू हो गया, इंडियन सर्वर में नहीं आया है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि भाई इंडियन सर्वर में आएगा या फिर नहीं। बाकी भाई लोग आप लोग क्या कहना ई बैच के बारे में ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपके मेरे दोनों के फायदे की बात कर लेते हैं। वो लोग मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग यहाँ एक बहुत ही खुशखबरी शेयर करने हैं कि कैसे मैंने मोस्टबेट पे एक्सप्लोर करके मैं जिंदगी बदल दी। मैं यहाँ पे बस गेम खेलना शुरू किया और जीतने लगा असली पैसा। मुझे विश्वास नहीं होता यार कि ये सच है या फिर एक सपना। अब मैं अपनी हर पसंदीदा चीजें खरीद सकता हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टबेट के सफर में आप भी शामिल हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली जीत रहे हैं तो आप भी उनमें से एक बन सकते हो। क्या आपको भी मेरी तरह फ्री टाइम्स में गेम खेलना पसंद है? तो मोस्टबेट में आप लोगों को बहुत सारे गेम देखने मिलेंगे, जैसे कि एविएटर, अंदर प्रहार, क्रैश एक्स, जेट एक्स, पोकर, स्लॉट्स और भी बहुत सारे गेम्स हैं। ये गेम्स खेलो और देखो पैसा कैसे आसानी से आता है। यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स की भी सुविधा मिल जाएगी, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इंस्टेंटली आप लोग यहाँ पैसा विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होगा। और बात रही कमीशन की, तो यहाँ पे कमीशन फ्री भी है और यहाँ पे आपको 24/7 का कस्टमर सपोर्ट भी देखने मिलेगा। और अगर आप लोग स्पोर्ट्स के शौकीन हो तो क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल, इन सब के लाइव मैचेस में अपना प्रिडिक्शन स्किल टेस्ट करो और कमाओ बहुत सारा पैसा, उनकी लाइव स्ट्रीम के भी मजे लो। और अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा मिठास। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर दो, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, तो आप लोगों को मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट में 34,000 का बोनस और उसके साथ साथ 250 फ्री स्पिन्स। तो भाई लोग आप वेट किसका कर रहे हो? जल्दी जाओ साइन अप करो, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी मेरे कमेंट पिन में। और भाई लोग रेडी हो जाओ अपने गेमिंग एक्सपीरियंस प्लस बैंक अकाउंट के पैसों को उछालने के लिए। नंबर 3, अब भाई लोग हम लोग बात करने वाले गोल्ड के बारे में कि आप लोगों को बहुत सारा गोल्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि गोल्ड आज के टाइम में सबको चाहिए। पहला तो प्रोसेस आप सभी को मैंने कई बार वीडियो में बता रखा, बड़ी टोकन्स में जाओ और वहां से 50% जो गोल्ड वाला होता है वो वाला कार्ड खरीद लो और रैंक
टोकन में जाओ, बीआर का जो रैंक टोकन होता है उसमें भी आप लोगों से यही चीज देखने मिल जाएगी। तो दोनों को जितना दिन के लिए हो सकता है खरीद कर रख लो, ताकि जब भी आप बीआर खेलोगे सीएस खेलोगे तो उसके मतलब कुछ गोल्ड्स मिलता है, तो आपको 50% ज्यादा मिलेगा। अब उसके बाद एक और ट्रिक आती है कि आप लोगों को स्टोर में जाना है, स्टोर में डेली स्पेशल में आप लोग छोटा सा बक्सा डेली देखने मिलता है यहाँ पे, तो आप लोगों क्या करना है इसको कलेक्ट करना है, जितना हो सके उतना कलेक्ट करना है, मिनिमम 30 दिन के लिए कलेक्ट करके रखना है। इसके अंदर कुछ गोल्ड्स मिलते हैं गाइस, तो मिनिमम 30 दिन के लिए आपने कलेक्ट कर लिया, तो इसको आपने मिनिमम 30 दिन के लिए कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक साथ सबको खोलो। अगर आप इसको बहुत दिन तक और कलेक्ट करके रख सकते हो तो काफी अच्छी बात है, जितना दिन तक आप इसको कलेक्ट करके रखोगे उतना आप लोगों को एक साथ गोल्ड देखने मिल सकता है। और अगर आपके अंदर मेरी तरह पेशेंस नहीं है, फिर गलती से आप भी कभी कभी खोल लेते हो, तो आप लोग क्या करना है क्राफ्टलैंड में जाना है, उसके बाद इस वाले सेक्शन में आना, फिर यहाँ पे आप लोग क्राफ्टलैंड का रैंक देखने मिलेगा, सेम लाइक जैसे हम लोग को बियर का रैंक देखने मिलता है। तो रैंक जैसे जैसे आप क्राफ्टलैंड का पार करते जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे गोल्ड्स के रिवॉर्ड दिखने मिलेंगे, और यहाँ पे गोल्ड्स के रिवॉर्ड देखो कितने ज्यादा है। तो ये कुछ तरीका है आप लोगों को इस तरह से ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करके रखना है, तो रख सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम में फिर से गोल्ड की काफी सारे इवेंट्स आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, और भाई लोग अब हम लोग बात करने वाले चिप्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया है कि हमारे गेम से शायद चिप्स रिमूव हो सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, या OB45 अपडेट में रिमूव होने वाला? तो नहीं, अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है। मैं आप लोगों को एल्गोरिथम समझाता हूं गरेना फ्री फायर का। पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूं गरेना फ्री फायर ना गेम से चीजें को रिमूव कर रहा है, ताकि कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर सके। फॉर एग्जांपल ग्लू वॉल ले लो, फ्लैश बैंक को ले लो, वेस्ट अपग्रेडर ले लो, और कुछ गन्स ले लो जैसे कि यूएसपी और एम5। तो काफी सारी चीजें को रिमूव करते हैं, उसके बाद नई नई चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि ड्रैगन हो गया, ड्रैगन का फ्रीज हो गया, तो चीजें ऐड करते हैं, फिर चीजों को रिमूव भी करते हैं। और भाई लोग रिसेंटली इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट AUG गन पे किया था, मतलब ऑक पे मारते रहो, डैमेज दो, फिर उसके बाद आप लोगों का लेवल अपग्रेड होगा। तो ये शायद से अगर सुपर हिट हो जाता है तो आने वाले टाइम में हम लोग जितने भी चिप्स है गेम से वो रिमूव हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग जितने भी गन्स में अपग्रेडेशन है वो कुछ ऑक गन के मैकेनिज्म जैसे ही हमको देखने मिल सकता है। तो भाई लोग आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मैप भर में चिप्स ढूंढना पसंद है, या फिर भाई ये AUG गन का जिस तरीके से मैकेनिज्म आया है वो आपको पसंद आएगा, ये सेम भाई ग्लूवल की तरह हो जाएगा अपने गेम के अंदर। अब भाई लोग फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ कि आप लोगों को अपना पिंग इशू ठीक कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो क्या करो मेरे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर अपडेट ऐसे ही इंटरेस्ट इस चैनल पे मिलते रहेगी, इस वजह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप लोगों को फ्री में बहुत सारे डायमंड्स चाहिए, हमारे गेम में जितने भी नए इवेंट्स आते आते रहते हैं तो आप लोगों को निकालना है, लेकिन आपके पास डायमंड नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन टॉप में मैंने आप लोगों को फ्री डायमंड्स की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करो, जाओ इस वीडियो को देखो और फ्री डायमंड की ट्रिक को जानो, समझो और लूट लो फ्री डायमंड्स। लेकिन इस वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी वीडियो का मेन फैक्ट बचा है, तो फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। अब देखो अगर ना ऑफिशियली आपको जो 999 लोडिंग स्क्रीन वाला प्रॉब्लम है उसके बारे में बता दिया था, और ये देखो मैं आपको उनका ऑफिशियल स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि भाई एक नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, और वो सिम का नाम है जियो, मतलब नेटवर्क जियो है उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे जियो की सिम में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैंने ऐसा क्या किया, मेरे जो नया वाला फोन है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जो मेरा ये पुराना वाला फोन है ग्रीन लाइन वाला, इसमें प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर मैंने इससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो छोटा सा प्रोसेस, उसको पहले फॉलो करो, सेटिंग्स में जो आपको क्लियर कैच कर लेना है वहां से, और उसके बाद गेम के अंदर सेटिंग्स में आपको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आप लोगों गेम को लॉग आउट करना है और गेम को पूरा बंद कर देना है। उसके बाद आपने जाना है मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर, मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाना, और आपको जो जियो का सिम है उसमें डाटा रोमिंग को ऑन कर लेना, अगर ऑफ होगा तो, अगर ऑफ होगा तो ऑन कर लेना, ऑन है तो ऑन ही रहने देना। उसके बाद गाइस आप लोगों को 198 पे कॉल करना है अपने जियो सिम से, उसके बाद उनसे कॉल पे ही रहना है। उसके बाद आप लोगों को गेम चालू करना है, गेम चालू करने के बाद आप लोगों को लॉग इन करना है, फिर उसके बाद गेम को शुरू करना है, आपका गेम शुरू हो जाएगा। और उसी बीच आप लोगों के लास्ट वाला प्रोसेस फॉलो करना है, सेटिंग्स के अंदर जाके आप लोगों को ये नेटवर्क प्रॉब्लम में सेंड रिपोर्ट कर देना है, जिससे आपका गेम शुरू तो हो जाएगा, लेकिन एक बार हम रिपोर्ट सेंड कर दें गरेना को तो वहां तक हमारा प्रॉब्लम पहुंच जाएगा, तो मे भी आने वाले टाइम हमको ये प्रॉब्लम वापस देखने ना मिले। तो उम्मीद करता हूं भाई लोग आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और भाई लोग अब जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लूट लो फ्री डायमंड्स की लिंक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।